हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर इंस्टॉलमेंट ऑल अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि व्हेन टू ब्रेस्ट फीड, उसके बारे में मैडम ने हमें बताया। अब हम इस सेगमेंट में देखने वाले हैं हाउ टू ब्रेस्ट फीड, कैसे बच्चे को फीड कराना चाहिए, क्या अलग अलग होल्ड्स रहते हैं, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए हमने, यानी कि बच्चे का लैच कैसा होना चाहिए। सो एक्चुअली हम जो लैचिंग बोलते हैं या उसको अटैचमेंट भी बोला जाता है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे ने जो ब्रेस्ट पे, बच्चे का जो मुंह है वो ब्रेस्ट पे जब अटैच होता है तो कैसे होता है। तो उसकी इम्पोर्टेंट चीज हमें ये देखना है कि बच्चे का मुंह पूरा ज्यादा से ज्यादा खुला हुआ है, ठीक है। और जो हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट में निप्पल और निप्पल के आजू बाजू का जो एरिया होता है, जो डार्क ब्राउन होता है, उसको हम लोग एरियोला बोलते हैं। तो ये निप्पल, पूरी निप्पल जो है अंदर होनी चाहिए, आपको निप्पल बाहर विजिबल नहीं होनी चाहिए। और निप्पल के आजू बाजू का एरिया, दैट इज एरियोला, वो भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा मुंह में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन आपको दिख सकता है, नीचे का तो मैक्सिमम जो है बच्चे के मुंह में होना चाहिए। जब अगर आपको एरियोला दिख रहा है या निप्पल दिख रही है, मतलब श्योरली जो अटैचमेंट है या लैचिंग है वो गलत हो रहा है। ये हो गया हमारा। दूसरा है कि पूरा ही अंदर जो बताया, उसके बाद बच्चे का जो लोअर लिप है वो नीचे की तरफ आया हुआ होना चाहिए। उससे हमें समझ में आएगा कि पूरा मुंह बच्चे का खुला हुआ है। हम कैसे समझेंगे कि बच्चे का पूरा मुंह खुला है? तो उसकी लोअर लिप जो है वो पूरा इवर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज होती है, बच्चे का जो चिन है वो मदर के ब्रेस्ट को लगना चाहिए। तो ये जब चीजें होती है तब हम उसको गुड अटैचमेंट बोलते हैं एट द लेवल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब आता है कि बच्चे की पोजिशन कैसी रहे। तो पोजीशन के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे का सिर, बच्चे की गर्दन और बच्चे का बॉडी, ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग बताते हैं कि कान, शोल्डर और हिप, ये तीनों ऐसे एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज होती है बच्चे का टमी जो है वो टमी टू द मम्मी, ऐसे हम बोलते हैं कि मतलब टमी जो है मम्मी को फेसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज हो गई। उसके बाद में बच्चे का जो नेक है, बैक है, उसको हमने सपोर्ट करना चाहिए। तो तब जाके वो गुड अटैचमेंट फॉर द बेबी, फ्रॉम बेबीज पॉइंट ऑफ व्यू, बेबी की पोजीशन के हिसाब से होगा। मैं आपको ये एक डॉल के ऊपर करके भी दिखा सकती हूँ। डॉल हमारी बड़ी है। सो द थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि एक तो बच्चे का हेड, ठीक है, ये ईयर, शोल्डर और हिप, ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि पीछे से जो है नेक और बैक को सपोर्ट होना चाहिए, और बच्चे की जो टमी है वो मदर को फेस पास। तो ये हो गया जो हमारा बच्चे का पोजीशन। ठीक है, अब है मदर का पोजीशन। तो मदर को बैक सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है, और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट बैक एक। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हम जब सिटिंग पोजीशन में, मतलब बेड पे जब हम पालथी मार के बैठते हैं, तो जो गैप है हमारी, जो लैप पे बच्चा हम जब रखते हैं और हमारी ब्रेस्ट का जो रेशो है वो एक गैप आ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग झुक के हम बच्चे को जो है फीड करते हैं। तो ये गलत हो जाता है और उसकी वजह से बैक सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, आपको बच्चे के नीचे पिलो लेना। आजकल बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पिलोज आती है, फीडिंग पिलोज हैं प्लस, हाँ फीडिंग पिलोज हम बोलते हैं, बैक सपोर्ट भी रहता है उसमें, और आप लैप पे रखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली सुपर आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मदर जो है बैक सपोर्ट होना चाहिए, मदर शुड नॉट लीन डाउन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंडली, मदर को जो भी पोजिशन में कम्फर्टेबल लगता है उन पोजिशन में मदर ब्रेस्ट फीड कर सकती है। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का पोजीशन सही हो और माँ का पोजीशन सही हो। बैक एक इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। तो जैसा कि मैडम ने कहा, पिलोज का सपोर्ट लीजिए। ये तो हुआ कि कैसा पोजीशन है, इसके बाद में किस तरीके से उसको होल्ड किया जा सकता है, देयर आर डिफरेंट होल्ड्स, तो उसके बारे में आप थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। So, जब हम लोग होल्ड्स बोलते हैं तो जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, बट कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम नाम की तरफ ना भी फोकस करें और डायरेक्टली कि कैसे फोल्ड करना है ये भी अगर, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे। तो पहला होता है क्रेडल पोजीशन। तो क्रेडल पोजीशन में क्या है कि बच्चे को जो है यहाँ पे आपके एंगल ऑफ द एल्बो पे लेना है, यहाँ पे, ठीक है। और
ये हाथ से ये हाथ पीछे आया है और ऐसे आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई क्रेडल पोजिशन। अब ये मोस्ट कॉमनली यूज पोजिशन है, ये मोस्ट कॉमनली मिस्टेकन पोजिशन भी। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया आपको, एल्बो यहाँ होने की वजह से ऐसे ऐसे रहता है। ये हाथ से बच्चे की गर्दन रहती है और मदर जो है ऑलरेडी डिस्कम्फर्टेड पोजिशन में आ चुकी है, डिस्कम्फर्टेड पोजिशन में मदर आ चुकी है एंड देन नाउ नेक्स्ट शी इज गोइंग टू लीन, तो इट्स अ डिजास्टर। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एल्बो के इस एंगल पे बच्चे को लेना है, ठीक है, और ये हाथ से भी सपोर्ट देना है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अस क्रेडल। अब क्रॉस क्रेडल, तो क्रॉस क्रेडल में हमारा हाथ बदल जाता है, तो ये जो हमारा हाथ जो सिर्फ यहाँ पे पीछे नीचे सपोर्ट दे रहा था वो हमारा पूरा यहाँ सपोर्ट दे, ओके, ठीक है। तो ये जो हाथ है ये पूरा नेक बैक और बॉटम ऑफ द बटक को बच्चे के सपोर्ट दे रहा है, इसमें आपको ये हाथ फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मदर की कन्वीनियंस पे, राइट हैंडेड मदर, लेफ्ट हैंडेड मदर्स, या फिर जो भी कंफर्ट आपको सही लगता है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं होल्ड। और क्रॉस क्रेडल एंड क्रेडल ये थोड़ी सी इंटरचेंजेबल पोजिशन है, आपने देखा होगा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हाथ की मूवमेंट चेंज है, ये क्रेडल है और ये जो है क्रॉस क्रेडल है, ओके, ठीक है। सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन। ये उसके बाद में एक आता है हमारा फुटबॉल पोजिशन, उसको कोई कोई आर्टिकल्स में आपको रग्बी पोजिशन वगैरह भी लिखा हुआ मिलेगा, बट मेनली उसका मतलब ये है कि हम लोग स्पेशली, आपने प्लेयर्स को देखा होगा जब बॉल हम लोग कैरी करते हैं तो हम बॉल ऐसे कैरी करते हैं, यहाँ बॉल रखते हैं। तो इसीलिए इस पोजिशन में जो है बच्चा जो है पीछे है उसकी बॉडी, ठीक है, लाइक अ फुटबॉल वी आर कैरिंग द बेबी, बॉडी पीछे है, सिर्फ हेड जो है बच्चे का वो सामने की तरफ है और बच्चा यहाँ ब्रेस्टफीड कर रहा है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। और ये फुटबॉल पोजिशन स्पेसिफिकली ट्विन्स के लिए यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि मदर कैन फीड बोथ बेबीज टुगेदर इन बेबीज, हाँ, वरना एक क्रेडल में पॉसिबल नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। फिर वो कुछ भी, या तो मोस्टली तो वी विल प्रिफर कि पहले एक को फीड करे फिर दूसरे को फीड करे, लेकिन द बेबीज आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू दैट, तो कभी उन दोनों को फीड साथ में चाहिए, तो वो टाइम पे ये वाला पोजिशन एक इधर से, हाँ, फुटबॉल होल्ड में, हाँ, तो उसको हम लोग डबल फुटबॉल होल्ड बोलेंगे, ठीक है, जब हम ट्विंस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है लाइंग डाउन पोजिशन, ठीक है, तो लाइंग डाउन में साइड लाइंग पोजिशन जो हम बोलते हैं, या जिसको हम लेफ्ट लैटरल पोजिशन बोलते हैं, हम इमेज आपको शेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो उसमें जो है बच्चा जो है आराम से कंफर्टेबली बेड पे ऐसे सोया हुआ है और मदर साइड लाइंग पोजिशन में है एंड द बेबी, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है इसके बारे में काफी कॉन्फ्लिक्ट है, काफी डॉक्टर्स से इसमें आपको कभी बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, या फिर कोई बोलेंगे ऐसा कर सकते हैं, तो एक्चुअली दिस पोजीशन इज आल्सो सेफ फॉर द बेबी, हाउएवर यू हैव टू लुक आफ्टर सम प्रिकॉशन कि मदर जो है वो जगी हुई है, ठीक है, मदर इज नॉट वेरी स्लीपी एट दैट टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर स्लीपी है तो मदर थोड़ा सा अगर ये हो जाती है तो बच्चे को सफोकेट हो सकता है, इसलिए मदर जो है जगी हुई है वो टाइम पे, ठीक है, एंड बच्चे के आसपास बहुत ज्यादा पिलो ब्लैंकेट्स और ऐसे सब नहीं होना चाहिए, तो दिस कुड बी मोर सफोकेटिंग फॉर द चाइल्ड, ये रिस्की आइटम्स हैं, ये सब वहां से निकाल दो, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि बहुत बार ऐसा एक मिसकंसेप्शन बताया जाता है कि बच्चे को सो के दूध पिलाओगे तो बच्चे का दूध जो है बच्चे के छाती में चल जाएगा, या तो यहाँ ये हमें समझना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये लागू होते हैं बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, द चाइल्ड नोज व्हेन टू ब्रेस्ट फीड एंड व्हेन टू स्टॉप, ठीक है। इस वजह से जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करते रहता है, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारी फिक्सेशन ट्यूब होती है जो कि हमारे कान नाक और गले का एक प्रेशर मेंटेन करती है, और ये ऐसे बंद खुलना ऐसे होता रहता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के एक्शन में भी होते रहता है, लेकिन यही चीज जब हम बॉटल फीडिंग की तरफ जाते हैं तो बॉटल फीडिंग इज नॉट अ एक्टिव प्रोसेस, इट्स टोटली इन कंट्रोल ऑफ द बॉटल, बहुत सारा दूध आता है और बच्चा फटफट फटफट उसको लेता है, तो वहां पर ये जो स्टेशन ट्यूब है ये बराबर काम नहीं कर पाती और वहां दूध जाने के चांसेस, और इसलिए ईयर इन्फेक्शन जो है
ये बॉटल फीडिंग में होने के चांसेस ज्यादा है. सिमिलरली माइक्रो एस्पिरेशन, मतलब एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ मिल्क इन केस ऑफ बॉटल फीडिंग सीधा बच्चे के चेस्ट में भी जा सकते हैं, और उस वजह से हम बोलते हैं कि छाती में दूध जा सकता है या निमोनिया हो सकता है. ये बॉटल फीडिंग का डिसएडवांटेज है इन लाइंग डाउन पोजीशन. लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोवाइडेड हमने जो प्रिकॉशंस वो अगर लिए. ठीक है. तो और मैम एक और पोजीशन है, शायद आपने ही मुझे बताई थी कि इट्स नॉट वेरी कॉमन पोजीशन जो मदर्स को मालूम नहीं है, जो हम बोलते हैं कि रिक्लाइनिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग या बायोलॉजिकल नर्चरिंग भी इफ यू सर्च इट ऑनलाइन कहा जाता है. तो ये पोजीशन में हम जैसे आराम कुर्सी में बैठते हैं, थोड़ा सा एक रिक्लाइनिंग पोजीशन में जो हम बैठते हैं, उस पोजीशन में बैठ के बच्चे को डायरेक्टली हमारे ब्रेस्ट पे दिया जाता है. तो ये जो आपने चार पांच पोजीशंस बताई, ये सब हम न्यूबॉर्न्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेफ है न्यूबॉर्न्स के लिए भी. ओके ओके परफेक्ट. तो ये सारी जो चार पांच पोजीशंस है, जैसा कि मैम ने कहा, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कंफर्ट इम्पोर्टेंट है उसमें. तो आप किसी भी पोजीशन को यूज कर सकते हैं और जिसमें बच्चा और आप दोनों कंफर्टेबल हो उसे यूज कर सकते हैं. और ये भी कहते हैं कि जैसे जिनका सी सेक्शन हुआ है उनको हो सकता है कि इमीडिएटली उठ के बैठ नहीं सकते हैं, उनको बैक एक भी रहता है, तो वो मदर्स साइड लाइन पोजिशन में भी विथ आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस यू कैन फीड इन साइड लाइन पोजिशन. कि आपने बहुत ड्राउजी नहीं होना चाहिए, आप अलर्ट होना चाहिए, और आफ्टर फीडिंग भी जैसे बच्चों के आसपास ऐसी कोई चीजें नहीं होना चाहिए कि उसके उसे नाक ढक जाए या उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ऑल दीज पोजिशंस कैन बी यूज फ्रॉम अ न्यू बॉर्न, दे आर एब्सोल्युटली सेफ. और इसका एक ही मैं ऐड करना चाहूंगी जो आपने सी सेक्शन के बारे में बोला, जैसे मैंने बोला कि मदर ड्राउजी है और सोई हुई है, तो अभी हमने वेट करना है मदर जगेगी फिर फीड करना है, तो नहीं है, दैट इज क्लियर्ड ऑलरेडी. उस सिचुएशन में मदर जो नॉर्मल लाइन डाउन पोजीशन में, उसके ऊपर बच्चे को डायरेक्टली ऐसे फीडिंग लगाया जाता है. ओके ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. ओके हाँ, क्योंकि आफ्टर आफ्टर यू कम आउट ऑफ द रिकवरी रूम तो आप लेटे रहते हैं, आपके स्टिचेस है, आप एनेस्थेशिया के इफेक्ट में हैं, तो कोई जो नर्स रहते हैं, सिस्टर्स रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, वो बच्चे को जैसा मैडम ने कहा वैसे आपको लैच करवा सकते हैं, आपके उठने की राह देखने की जरूरत नहीं है. तो ये तो हुए कि सारे होल्ड्स, हाउ टू फीड अ बेबी. इसमें एक और क्वेश्चन है मैम कि दो चीजें होती है, एक तो बच्चा बहुत छोटा है, उसको लैच करने में कभी कभी इनिशियली डिफिकल्टी होती है, बहुत इजीली यानी एकदम पहली बार में तो वो सीख नहीं जाएगा, तो उसमें क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम अच्छी तरह से, जैसे आपने कहा कि फुल लैच होना चाहिए, पूरा मुंह ज्यादा खुला होना चाहिए, पूरा निपल और एरियोला अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए हम कोई तरीका है जिससे ये कर सकते हैं? और दूसरा, किसी किसी का ऐसा कंप्लेन होता है कि ब्रेस्ट बहुत बड़ा है अभी बिकॉज इट्स फिल्ड विथ मिल्क, तो उसमें भी बच्चे को वो लेने में थोड़े से डिफिकल्टी हो रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम लोग तीन टाइप के होल्ड यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सी होल्ड, जिसे ऐसे साइड से हम ब्रेस्ट को ऐसे निपल वाला जो पोर्शन है, निपल के पीछे जो ब्रेस्ट वाला पोर्शन है उसको ऐसे सी होल्ड करेंगे, तो जो निपल वाला एरिया है वो प्रोमिनेंटली सिर्फ बच्चे को देखना है. या यू होल्ड भी होता है, हम नीचे से पकड़, नीचे से पकड़. तीसरा है कैची, इज अ वेरी कॉमन थिंग जो बहुत सारी मदर्स को मालूम होगा, या वी होल्ड भी बोलते हैं इसको. तो कैची से जो है हम निप्पल और एरियोला के पीछे के पार्ट जो है उसको हम पकड़ेंगे, तो लेस अमाउंट ऑफ एरिया इज एक्सपोज टू द बेबी. तो आपको जो लग रहा है कि ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है या बच्चे का बच्चा छोटा है, बच्चे का मुंह ये हो पा नहीं हो रहा है बच्चे से, तो इस मेथड से वो कर सकते हैं. और इसमें एक और चीज है कि इन जनरल ऑल्सो वेन वी आर इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमें क्या करना है कि मतलब जैसे बच्चे एकदम क्या निप्पल ऐसे मुंह में देना है, क्या करना है, तो उसके लिए जो है बच्चे को जब आप आपके ब्रेस्ट के पास लेते हो तो निप्पल जो है बच्चे के अपर लिप या नोज के पास में लेके जाना है, तो स्मेल और जो नॉर्मल बच्चे को रूटिंग रिफ्लेक्स होता है उसकी वजह से बच्चा जो है निप्पल ढूंढ लेता है और बच्चा मुंह खोलता है. तो जैसे ही बच्चे ने मुंह खोला है तब आपने फिर ये जो टी या वी सी वी या यू होल से जो ब्रेस्ट पकड़ी हुई वो फिर मुंह में डालना है. उससे क्या होगा कि पूरा एरियोला वाला पोर्शन जो हम चाहते हैं कि अंदर जाए वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए. नहीं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं फिर सिर्फ निप्पल पे निप्पल सकिंग करते रहते हैं और मदर को लगता है कि फीड कर रहा है बच्चा, जबकि बच्चा सिर्फ ऊपर के ऊपर कर रहा है और उसमें हो जाता है सोर.
वो उनकी मदर को प्रॉब्लम हो जाती है. इसीलिए आपने खुद से फिर वो जो सी और वी होल्ड में या यू होल्ड में जो पकड़ा हुआ है पोर्शन, वो आगे जाके बच्चे के मुंह में डालना है ताकि फिर स्टार्ट कर दे सके. ओके, तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैडम ने कहा कि जैसे कि दो चीजें की पोजीशंस भी आप जो होल्ड यूज करना है वो कोई भी आपके कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, पर वो सही होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज या तो बैकएक का इशू होगा या तो बच्चा ठीक तरीके से आप सक नहीं कर पाएगा. यू विल गेट क्रैक्ड निपल्स, सोर निपल्स, बहुत पेनफुल हो जाती है ये चीजें आगे चलकर. और दूसरा कि जैसे मैम ने कहा कि उसको सही तरीके से आप यू या सी या वी होल्ड से उसको बराबर पूरा पोर्शन अगर अंदर देंगे तो वो दूध भी अच्छे से पी पाएगा और आपको ये जो तकलीफें हैं ये भी नहीं होंगी. तो ये सही तरीके से करना बहुत जरूरी है. बहुत इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, बट इट टेक्स सम लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए ये एक लर्निंग प्रोसेस है और शुरू से डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. कॉन्फिडेंस, जैसा कि हमने बार बार कहा, स्ट्रेस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. स्ट्रेसफुल आप रहेंगे तो आपको दूध नहीं आएगा, आप अननेसेसरी टेंशन में रहेंगे जबकि आप कर सकते हैं. तो ट्रस्ट योर सेल्फ, योर बॉडीज आर मेड टू डू दिस एंड आप कर सकते हैं. बस विश्वास रखिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए और यू कैन डू इट. और बाकी कुछ डिफिकल्टी के लिए वी आर ऑलवेज देयर विथ यू. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस टूडे, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स. आप हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस दीजिए, वी विल गेट देम आंसर्ड इन अवर नेक्स्ट सेशन. सो एज ऑलवेज मैडम, दिस वॉज अ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस. एंड जैसे-जैसे वी आर मूविंग ऑन इन दिस जर्नी, सो आई एम ऑल्सो थ्रिल्ड. And you know, because there are many questions which sometimes come up, but now we are taking those questions together and giving the information to people out there. So it's good to be part of this. Thank you so much. This is our endeavor ki hum zyada se zyada information sab tak pahuncha paaye. And thanks a lot again for being a part of this. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Stay tuned for more.